कक्षा 10 एक्सरसाइज 9.1 आज हम इसका 11वां प्रश्न करने जा रहे हैं। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वरतः खड़ा है, यानी कि एक टीवी टावर है ये सीधा खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का, ये टावर के शिखर, ये है टावर का शिखर, इसका धरती से उन्नयन कोण जो है ये 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण याद रखना जो नीचे से ऊपर की ओर देखते वक्त कोण बनता है, यह कोण 30 डिग्री है। और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ये, और यह नहर, ये बेसिकली नहर, तो ये नहर की जो चौड़ाई है ये हमने ज्ञात करनी है। तो आइए इस प्रश्न को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि टावर की जो ऊंचाई होगी वो होगी h, और नहर की जो चौड़ाई होगी वो होगी h मीटर। तो यही बात मैं यहां लिखूंगा। मान लो टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर और नहर की चौड़ाई बराबर x मीटर। अब इसमें दो त्रिभुज बनते हैं, मैं दो त्रिभुज आपको अलग अलग बना के दिखा रहा हूं। सबसे पहले त्रिभुज है ये वाला जो कि है a b c, जिसमें ये कोण है 60, और इसी के साथ एक और कोण है a b c d। दो त्रिभुज, ये है h, ये है h, ये हमें नहीं दिया हुआ, राइट, इसको हम x मान रहे हैं, और यहां पर ये h दिया हुआ है, और ये जो है ये होगा 20 प्लस x, और ये कोण है 60 डिग्री, और ये कोण है 30 डिग्री, ठीक है। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। सबसे पहले मैं त्रिभुज लूंगा ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में देखिए परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस ये बराबर होता है टैन, कोण है 60 डिग्री तो ये बराबर होता है टैन 60 डिग्री। अब इसमें जो परपेंडिकुलर है वो है ए बी, और उसको हमने माना था एच, तो h बटा जो बेस है BC वो है x, ये बराबर है tan 60, और tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट थ्री। यहां से x इसके साथ भाग हो रहा है, जब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा रूट थ्री x मीटर। तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अभी हमने सिर्फ यह वाला त्रिभुज देखा है, ये वाला त्रिभुज देखा है, अब मैं देखूंगा दूसरे वाला त्रिभुज। तो मैं यहां लिखता हूं इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी पूरा त्रिभुज ए बी डी। अब आप देखिए इसमें फिर से वही परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस बराबर है टेन, और इस बार कोण होगा 30 डिग्री। परपेंडिकुलर फिर से है एच बटा बेस जो है, अब ये हो गया एक्स प्लस बीस यानी बीस प्लस एक्स, और यह बराबर होगा टेन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है एक बटा रूट थ्री, ठीक है, टेन 30 की जो वैल्यू होती है वह होती है एक बटा रूट थ्री। अब ये बीस प्लस एक्स इसके साथ भाग हो रहा है, जब ये उधर जाएगा तो एक से गुना हो जाएगा और नीचे है इसके रूट थ्री, इसको मैं मानता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब यदि हम ध्यान से देखें इक्वेशन 1 में h बराबर है रूट थ्री एच के, इक्वेशन 2 में h बराबर है 20 प्लस h बटा रूट थ्री के, तो ये भी h, ये भी h।
अगर इन दोनों इक्वेशनों की लेफ्ट साइड बराबर है एच एच, तो इनकी राइट साइड भी बराबर होगी, क्योंकि ये भी एच के बराबर है, वो भी एच के बराबर है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, यहां हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ये भी एच के बराबर है रूट तीन एक्स, तो ये बराबर होगा बीस प्लस एक्स बटा रूट तीन। यहां पे रूट तीन भाग हो रहा है, जब इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, रूट तीन हो गया तीन एक्स, एक्स यहां बीस के साथ प्लस हो रहा है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहां बच गया बीस। ठीक है, तीन एक्स में से दो एक एक्स निकाल दिया तो हमारे पास बचा दो एक्स बराबर बीस, और यहां से हमारे पास एक्स आ जाएगा बीस, दो इस एक्स के साथ गुना हो रहे, यहां जाके भाग हो जाएगा, तो ये आ गया दस। इसका मतलब एक्स आ गया दस मीटर, एक्स आ गया हमारे पास दस मीटर। तो एक्स क्या था, नहर की चौड़ाई, तो हम लिख देंगे नहर की चौड़ाई बराबर एक्स बराबर दस मीटर। तो ये हमारे प्रश्न का एक भाग हल हो गया है। अब हमारे पास दूसरा भाग है एच, यानी कि टावर की ऊंचाई निकालो, और उसके लिए एच हमारे पास है रूट तीन एक्स, तो एच निकाल दो रूट तीन गुना एक्स, यानी कि रूट तीन गुना एक्स कितना आया दस मीटर, तो यहां से एच हमारे पास आ गया दस रूट तीन मीटर, और एच क्या था, टावर की ऊंचाई थी, तो हम यहां लिख देंगे टावर की ऊंचाई बराबर दस रूट तीन मीटर। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है, हमें इसमें दो चीजें निकालनी थी, नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई। तो ये हमने दोनों भाग इस प्रश्न के हल कर दिए।